यहाँ देखिए क्वेश्चन है 10th क्लास पर्सनालिटी 3.6 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एक का चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगर आपने तीसरा दूसरा पहला नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्या है, 5/(x-1+1/y-2)2 और 6/(x-1)-3/y-2)1, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान समझिएगा मेरे बाबू, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वन है, यहाँ पर वाई माइनस टू है, और यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी y-2 है। तो हम इसको अगर मानेंगे तो ये भी हो जाएगा, और इसको मान लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना कि x-1 बराबर u मान लिए, ठीक है, और y-2 है, ठीक है। देखिए x-1 को नहीं, एक बटा को मान लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बटा x-1 बराबर u मान लिए, और यहीं पर मान लेते हैं एक बटा वाई माइनस टू बराबर क्या मान लेते हैं भी। देखिए एक्स और वाई को छोड़ के आप यू भी की जगह पर एबीसीडी में से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई को छोड़ के, समझ गए ना। इसको क्या माने, वन बटा एक्स माइनस वन बराबर यू और वन बटा वाई माइनस टू बराबर भी मान लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इसको देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/(x-1), तभी तो आपका देखिए 5 में 1 करेंगे 5 होगा, ऊपर 5 और x माइनस 1 नीचे होगा ना, फिर प्लस, ये तो वैसे जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए, बराबर 2। फिर इसको देखिए, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 × 1/(x-1) और माइनस यहाँ पर 3 × 1/(y-2)1, समझ गए ना। देखिए अब क्या माने है, देखिए 1/(x-1) को क्या माने है यू, तो इसके स्थान पर यू रख देंगे, और 1/(y-2) को क्या माने है भी, तो इसके जगह पर भी रख देंगे। चलिए रख देते हैं, तो 5 × u का मान यहाँ पर यू रख दें, प्लस यहाँ पर भी बराबर 2, फिर कॉमा 6 × u-3 × v=1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समझ गए। और देखिए इसको 5 और u है ना, तो इसको लिखिएगा 5u, ठीक है, प्लस भी बराबर 2। फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो क्या है, समीकरण एक ही है, सेम ही ना है, और इसको ऐसे लिखेंगे 6u-3v, क्योंकि देखिए 6 में जब u से गुणा करेंगे तो 6u आएगा, ठीक है, और 3 में जब v से गुणा करेंगे तो 3v आएगा, बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण 2, यही ना है समीकरण 2। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, u v का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जब इसमें रखेंगे तो फिर एक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, u है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से u का मान निकालिए। तो u का मान निकालने का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि u को अकेला करना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, केवल u रहना चाहिए। तो v को किधर भेजना है, इधर, तो यहाँ पर 2 - v और 5 यहाँ पर क्या है शॉर्ट कैसे मतलब गुणा में, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर 2 - v और बटा में 5, ठीक है। उसका देखिए अब इस फिर इस इक्वेशन से भी हम u का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे बनेगा ना बहुत इजी में बनेगा, ठीक है। तो इसको देखिए 6u, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो यानी 1 + 3v और 6 यहाँ पर क्या शॉर्ट कैसे मतलब क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो क्या भाग, तो u बराबर आपका हुआ 1 + 3v बटा में 6, समझ गए ना। अब देखिए अब क्या बोलेंगे, अब आपको करना यही है कि इस u के मान को यहां पर रख देना है या इस u के मान को यहां पर रख देना है, तो v का मान निकल जाएगा। चलिए इस u का मान यहां रख देते हैं, तो u का मान जब यहां पर भरेंगे तो कितना होगा 2 - v बटा में 5 और बराबर 1 + 3v/6। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है। तो देखिए 5 से इसमें करेंगे और 6 से इसमें करेंगे, तो 6 × 2 कितना होगा 12 - 6v बराबर 5 में गुणा करें तो 5 + 5 = कितना 15v, ठीक है। अब देखिए v वाले को एक साइड करेंगे और अंक वाले को एक साइड, तो 6 को इधर भेजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो जुट जाएगा, और 5 को इधर लाइए, तो पहले से इधर में क्या है 12 है, 5 को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा -5 और 6 को जब इधर लेंगे तो कितना होगा 15v + 6v, ठीक है। अब देखिए 12 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7 और 15v और 6v जुटेगा तो कितना होगा 21v, ठीक है। और यहाँ पर 21 क्या है शॉर्ट कैस का मतलब मेरे भाई गुणा में, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो जब तो v बराबर कितना आएगा आपका आंसर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं v बराबर आपका होगा 7/21 और यहाँ पर जब कटाएंगे तो ऊपर क्या 1 और नीचे में कितना 3, यानी v का मान आपका फाइनल कितना निकला है 1/3। इस v के मान को आप यहाँ पर रखिएगा तभी u का मान निकल जाएगा, या
यहाँ पर रखेगा तभी यू का मान निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, इसलिए यहाँ पर जगह है। तो यहाँ देखिए यू बराबर आपका होगा 2 - 1/3, यहाँ पर रख दीजिए, बटा में 5। अब देखिए यू बराबर आपका कितना होगा, फिर यहाँ पर 1 मान के हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आपका हुआ 3। और 1 देखिए जब 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 3 दुनिया यहाँ पर कितना होगा, 6 माइनस ये हुआ आपका 1। देखिए बटा घटा बनाना आता है ना, वैसे ही बनाएंगे, और बटा में 5, और नीचे में 1 मान लेते हैं क्योंकि नीचे में 1 मान के क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो चलिए यू बराबर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए यू बराबर आपका हुआ, ये देखिए 6 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5, तो ये हुआ आपका 5/3। और ये देखिए मेन बटा ये है, तो जब पलटता है तो 1 कहाँ जाता है, ऊपर, और 5 कहाँ आता है, नीचे। तो 5 से 5 ये कट जाएगा ना, तो यू बराबर आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, यू बराबर 1/3। और भी बराबर कितना आया है, देखिए भी बराबर 1/3 आया है, दोनों का मान कितना है, 1/3 1/3, ठीक है। अब देखिए इस u और v के मान को हम कहाँ रखेंगे, जो आपको माने थे ना 1/ x-1 को क्या माने थे, u माने थे, तो यानी कि यहाँ पर रख देंगे कितना 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए चलिए यहाँ पर रख दिखा देते हैं, ठीक है। और इसको क्या माने थे, 1/y-2 को क्या माने थे, भी माने थे, माने थे ना। तब यहाँ पर यू का मान भर दीजिए, तो यू का मान कितना 1/3 आया है, तो यहाँ पर भर दीजिए, ये आपका 1/3। और यहाँ पर भर दीजिए किसका मान, 1/y-2 का मान भर दीजिए, कितना भी का मान कितना 1/3 है, तो इसको 1/3, समझ गए ना। अब यहां से निकाल कर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए x-1 तो यहाँ पर होगा x-1, क्योंकि 1 में गुणा होता है उतना ही रहेगा, 3 में 1 से होगा गुणा तो 3, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो क्या प्लस, x बराबर आपका हुआ 3+1, यानी x बराबर आपका आंसर कितना हुआ, 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी गुणा, तो y-2 बराबर कितना 3, तो 2 को उधर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, तो y बराबर कितना होगा 3+2, यानी y बराबर कितना होगा 5, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर 5, यही 2 हुआ आपका आंसर। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।